हेलो फ्रेंड्स आज अपने इस ट्यूटोरियल में हम वर्चुअल फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे वर्चुअल फंक्शंस ट्यूटोरियल में मैंने आपको बताया कि वर्चुअल फंक्शन क्या होता है अगर हम किसी बेस क्लास में एक फंक्शन वर्चुअल फंक्शन क्रिएट कर देते हैं तो हम उस फंक्शन को उस क्लास से होने वाली ड्राइव क्लास में उसकी डेफिनेशन में चेंजेस कर सकते हैं कैसे हम देखेंगे सबसे पहले मैंने लिखा है क्लास स्पेस क्लास का नाम रखा है मैंने विंडो ये हमारी बेस क्लास है इसमें मैंने पब्लिक मेंबर डिक्लेयर किया है एक मेंबर फंक्शन बनाया है जिसका नाम क्रिएट है और उस फंक्शन को मैंने वर्चुअल फंक्शन बना दिया है तो मैंने लिखा है वर्चुअल कीवर्ड वर्चुअल स्पेस स्पेस रिटर्न टाइप की वर्ड वर्चुअल ये फंक्शन है अब कर्ली ब्रेसेस में मैं इसकी बॉडी डिफाइन कर रही हूँ आउट मैंने यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट कराया है बेस क्लास विंडो देन एंडल इसकी बॉडी को मैंने क्लोज किया फंक्शन की और यहाँ से क्लास बॉडी को भी क्लोज कर दिया अब मैं इस क्लास से एक और क्लास इनहेरिट करूंगी तो मैंने लिखा है स्पेस कमांड बटन पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर और जिस क्लास को मैं इनहेरिट कर रही हूं विंडो उसका नाम अब मैंने यहाँ पर इस फंक्शन की बॉडी को जो है वो रीडिफाइन किया है क्योंकि ये फंक्शन वर्चुअल फंक्शन है तो मैं इस क्लास से डिराइव होने वाली क्लास में इस फंक्शन को रिडिफाइन कर सकती हूँ इसकी बॉडी में इसकी डेफिनेशन में चेंज कर सकती हूँ तो मैंने यहाँ पर सी आउट और जो मैसेज यहाँ पर बॉडी मैं को मैंने क्लोज किया क्लास की बॉडी को क्लोज किया इंट मेन मेन में मैं यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स बना रही हूँ एक बेस क्लास का ऑब्जेक्ट और एक ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट तो मैंने लिखा है विंडो एक्स कमांड बटन वाई तो मैंने एक्स डॉट क्रिएट यानी कि जब मैं बेस क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ इस क्रिएट फंक्शन को कॉल करूंगी तो मेरी ये डेफिनेशन कॉल होगी यानी कि ये वाला फंक्शन कॉल होगा और जब मैं ड्राइव क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ क्रिएट को कॉल करती हूँ तो मेरा कमांड बटन यानी कि जो ड्राइव क्लास है कमांड बटन उसका क्रिएट फंक्शन जो है वो कॉल होगा इसे हम लेट बाइंडिंग कहते हैं क्योंकि रन टाइम पे ये डिसाइड हो रहा है कि कौन सा फंक्शन जो है वो कॉल हो रहा है अब हम इसे सेव कर लेते हैं कंट्रोल एस से और F9 से इसे कंपाइल करते हैं कंपाइल करने के बाद हम इसे F10 से रन करेंगे रन करते आप देखेंगे सबसे पहले हमने बेस क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ इसे कॉल किया था तो यहाँ आ रहा है बेस क्लास विंडो फिर हमने ड्राइव क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ क्रिएट फंक्शन को कॉल किया है तो आ रहा है ड्राइव क्लास कमांड बटन ओवर रिडन सी वर्चुअल फंक्शन ये था हमारा वर्चुअल फंक्शंस का कंसेप्ट कि अगर आप किसी एक फंक्शन को वर्चुअल क्रिएट कर देते हैं बेस क्लास में तो बेस क्लास से डिराइव होने वाली क्लास में आप उस फंक्शन की डेफिनेशन में चेंजेस कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में टिल देन बाय थैंक यू